रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। वहीं श्रावस्ती जनपद के इकोना में राप्ती नदी के किनारे बसे दहावर कला के कोटवा में बाढ़खंड श्रावस्ती की ओर से बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसको लेकर बाढ़खंड के अधिकारियों ने गांव में सर्वे करना भी शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़खंड अधिकारियों ने सर्वे करके बताया कि राप्ती नदी के किनारे बसे कोटवा गाँव के काफ़ी घर बंधे के दायरे में आता है। जब बांध का निर्माण होगा तो लगभग 25 घर इसकी जद में आएंगे, जिसमें रहने वाले 150 लोगों को अपना घर बार उजाड़ कर कहीं अलग जाना होगा। गांव वाले इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। गांव वालों का अपना आशियाना उजड़ने का गम सता रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कटान प्रभावित क्षेत्र होने के नाते उनकी जिंदगी वैसे ही नरक बन चुकी है। किसानों के खेत पात सब नदी में बह चुके हैं। बड़ी मुश्किल से किसी तरह लोगों ने पक्का मकान बनाया था, लेकिन अब अगर बांध का निर्माण होता है तो उन्हें कहीं और बसने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। गांव वालों का कहना है कि हमारे पलायन करने से पहले सरकार हमें मुआवजा दे दे, ताकि हम लोग कहीं अलग घर बार खरीद कर अपने बच्चों को महफूज कर सकें। गाँव वालों का यह भी कहना है कि सरकार निर्माण से पहले हमें मुआवजा और आवास मुहैया करा दे, नहीं तो किसी कीमत पर हम अपना घर बार छोड़कर नहीं जाएंगे। सरकार चाहे तो हम पर बुलडोजर चला दे। ग्रामीणों का कहना है कि 2014 की बाढ़ में जो लोग बेघर भूमिहीन हो गए थे, आज तक उन्हें ना एक पैसा मुआवजा मिला और ना ही उन्हें कहीं बसने के लिए एक इंच का ज़मीन दिया गया। आज भी वो लोग बंधे के ऊपर रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा है कि सरकार पहले इन किसानों को घर दे और उचित मुआवजा, उसके बाद बांध का निर्माण करे, अन्यथा व्यापक तौर पर आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। शुक्ला जी, क्या समस्या है गाँव वालों की? इतने गाँव वाले आपके साथ हैं? ये ग्राम पंचायत दहावर कला का मजरा कोटवा है, और कोटवा में बाढ़ खंड के द्वारा एक बांध प्रस्तावित किया गया है इस गांव को कटान से बचाने के लिए। जिसे ये गांव को कटान से बचाने के उद्देश्य से ये कागजी खाना पूरी करके जो व्यवस्था बनाई जा रही है, उसमें मतलब बांध और नदी के बीच में करीब 2500 घर आ रहे हैं। यानी 25 घर जब नदी और बांध के बीच में पड़ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उन घर वालों की क्या स्थिति बनेगी। अभी तक बाढ़ खंड का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इन निवासियों को, जिनके यहाँ पे पक्के मकान बने हैं, पुश्तैनी मकान हैं, जो बाढ़ से कट के आए हैं, यहाँ पे बसे हैं, इनको यहाँ से विस्थापित करने के लिए इनको न तो कोई मुआवजा का प्रावधान किया गया है और न इनको यहाँ से निकालने की कोई व्यवस्था करी गई है। इनके घर के बगल में बांध बनाया जाएगा, एक बगल नदी रहेगी, एक बगल बांध रहेगा, तो ये तो अपने आप डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले इनको मुआवजा दे के इनको विस्थापित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में बाढ़ के समय पे, बरसात के समय पे इन पूरे परिवार को बड़ा खतरा है नदी में डूब जाने की, और अगर कोई इस तरह की अनहोनी होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। यानी बाढ़ खंड के द्वारा, और जब से ये 5 साल में योगी और मोदी की सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर सरकारी धन को कागजी खाना पूरी करके लूट करने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी हमारे गांव में पिछले बाढ़ के समय पे बाढ़ खंड के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने परक्यूपाइन लगाने के नाम पे इतने बड़े बड़े लोहे के, मतलब वो सीमेंटेड, वो डाल के लाखों रुपए का गबन कर लिया। यानी IGRS पे उसकी जाँच चल रही है, और उस जांच में जो फोटो लगाया गया उसमें भी दिख रहा है कि ये बाढ़ के टाइम पे काम हो रहा है। इसके बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर समय से परक्यूपाइन लग गया होता तो बाढ़ से ये गांव नहीं कटता और लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। अब करोड़ों की परियोजना बांध के नाम पे खारिज कर लेने की है। इस तरह से जो है, अगर इनको मुआवजा नहीं दिया गया तो किसी भी कीमत पर इस बांध को बनने नहीं दिया जाएगा। हमें नफा नुकसान देखना होता है। अगर किसी काम से जनता को फायदा है तो वो काम करना चाहिए। सरकारी धन की लूट करने की व्यवस्था जो श्रावस्ती में बाढ़ खंड के द्वारा की जा रही है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा, और हम लोग, अगर शांतिपूर्वक हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। 25 से 30 घर इसमें पड़ रहे हैं जो बीच में पड़ जाएंगे। एक तरफ बांध बन जाएगा, एक तरफ नदी बहेगी।
अब सरकारी तंत्र के जो लोग यहाँ पे आते हैं सर्वे करने, हमें तो लगता है उनके बाल बच्चे नहीं हैं, वो योगी और मोदी की तरह ही हैं। उनको ये नहीं दिखता कि इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। वो सरकारी धन को कागजी खाना पूरी करके लूटने की व्यवस्था सिर्फ उत्तर प्रदेश में चल रही है। कि यहाँ पर कुछ अधिकारी आए थे? आए रहे भैया। क्या हुआ बताइए? नाप कह गए हैं बंधा के यार, खेत में बंधा निकाल दही, बीच में हमें कह दही नदी और खेत के रहे घर के बीच में है। अच्छा, मतलब आपके घर के पीछे बांध बनाया जाएगा? हाँ, हमारे घर के पीछे बंधा निकाल दही, बीच में नदी और घर है, तो अभी हम बूढ़ी जावे, हमें सबका कहूँ ना है कुछ रहे वाला। अब अच्छा, कितना घर है चाची पक्का बना हुआ आपके आसपास? अब भैया 10-12 पक्का बना है भैया, 10-12 कोठरी है। अच्छा हाँ, सब मजूरी मेहनत करके कोनो मेयर बनावा, अगर अब ना ही है कहूँ गुंजाइश की कहाँ रहा जाए। पूर्व महन बांध होएगा और पश्चिम महन नदी होएगा, बीच में हम हैं। तो कहाँ जाओगे दादा? तो अब कहाँ पता नहीं कहाँ जाए, रुका जाए, बार बुई है सेना। कितने साल से दादा यहाँ रहते हो आप? यहाँ तो कम से कम 15-20 साल से होएगा। अच्छा। चार कटाव महन भाग के यहाँ आए है, अब यूँ से रह कुछ नहीं है कोई कुछ। ये मकान हम लोग का नदी के अंदर जा रहा है, अब हम लोग बाल बच्चे लेके कहाँ चले जाए नदी के अंदर? क्या मतलब? मतलब बांध और नदी के बीच में हो रहा है, जैसे आप बरसात आएगा तो बरसात में पूरा पानी भर जाएगा, पूरा मकान हम लोग का डूब जाएगा, हम लोग का बच्चे बिल्कुल बेनात हो जाएंगे। अब बतावा जाए कि हम लोग का बच्चे कहाँ जाएंगे, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास और खेती पाती है। जो था यही में हम लोग चार बार कटिन है, चार बार में आके यहाँ बनाए हैं, अब ये भी जा रहा है साहब, तो हम लोग कहाँ चले जाएँ? तो क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग ये है साहब कि घर का मुआवजा दे दिया जाए, तभी हम लोग घर छोड़ेंगे, नहीं तो जो मर्जी वो करें सरकार, हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे।